प्यार कस्टम्स के एक और एपिसोड के साथ तैन रिजवी खराब आवाज के साथ अस्सलाम वालेकुम। फॉर्ट्यूनर पर हमने लास्ट एपिसोड डिसकंटिन्यू की थी फॉर्ट्यूनर के टेस्ट ड्राइव के साथ। फॉर्ट्यूनर इज नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अ वेरी नाइस रिवाइव व्हीकल। इंजन वाइज इज परफॉर्मिंग मच मच बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। अलबत्ता सिर्फ और सिर्फ अब इसके कुछ अभी इसमें और भी मैकेनिकल चीज़ें हैं बट नेचुरली क्लाइंट लिमिटेशन है हमारे पास ऑथराइजेशन के ऊपर, जिसकी वजह से हम जो है वो वी आर स्टिकिंग टू द इंजन ओनली राइट नाउ। लेकिन हमने इसके फ्रंट व्हील सस्पेंशन के लिए, ट्रांसमिशन सर्विस के लिए और इंजन कूलिंग सिस्टम की सर्विसिंग के लिए रिकमेंडेशन डाल दी है, बट दैट वुड बी ऑन अ लेटर पार्ट। अब हम मीनवाइल इसका बॉडी वर्क फिनिश करें। ये पेंटलेस डेंट रिमूवल किया है, चेक करें आप। ये कुछ एक मार्क्स जो हैं ये नेचुरली क्योंकि इम्पैक्ट के आ गए थे, इधर भी काफ़ी ज़्यादा था। ये तो ओरिजिनल पेंट था लेकिन पैनल सेव अप हो गया। ये मार्क जो है ये कंपाउंडिंग में बहुत बेहतर हो जाएंगे और पेंट करेक्शन में इसको अयाज जो है वो इसको कैटर कर सकेगा। ये इसका लोअर पैनल पेंट भी हेड था, ये इसका थोड़े से मार्क्स आप अनइवननेस देख रहे होंगे वो इसलिए क्योंकि ये हमारे पास अभी इस वक्त PDR के लिए सक्शन टूल्स नहीं है, तो हम काम अभी भी ड्राई हैमर के साथ ही कर रहे होते हैं। सरफराज साहब ने बहुत महारत से इसको नीचे फिनिश किया, लेकिन वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अंदर एक बहुत शदीद लिमिटिंग फैक्टर जो था वो इसका सपोर्ट बार है जो इधर बिल्कुल उसी मार्क के ऊपर लगी हुई है। नॉनदलेस इट स्टिल लुक्स मच बेटर। एक ये इसका डोर था, इसके बॉनेट पे दो और डेंट्स हैं। साथ कहाँ कहाँ थे जरा ब्रीफ करें। ये तो अभी भी वो साथ उठा रहे हैं, अभी फिनिश कर रहे हैं, ये अभी भी इधर एक डेंट है जो अभी भी उस साथ फिनिश कर रहे हैं। और ये था बिल्कुल सील्ड पैन, नीचे सील्ड पेन है ये पूरा, क्योंकि ये जो है जहाँ पे हेड है वो नीचे से बिल्कुल सील्ड पेन है। तो साथ टूल फैब्रिकेट कर रहे हैं, फैब्रिकेट करके उस साथ इसको इस्तेमाल कर दो। स्पेसिफिक काम के लिए उस साथ को टूल को भी एडोक्रेटली फैब्रिकेट करना पड़ रहा है। साथ इस जाल के ऊपर भी हम करेंगे ना काम, इसको प्रेस करेंगे ना, तो उसी का भी फ्रंट बम्पर करेंगे। तीन पैनल्स इसके पेंट पे भी जाएंगे, फ्रंट बम्पर, बॉनेट और रियर बम्पर। रियर बम्पर तो बहुत ही बुरे हाल में। ये ऑल्दो ऑन ऑनेस्ट उसमें ये बियॉन्ड रिपेयर कंडीशन, अब इसको रिपेयर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि स्पेयर कॉस्टिंग इज सो हाई, अभी क्लाइंट ने बोला यार इसको रिपेयर पे लो, तो हम अटेम्प्ट करेंगे, ये कोशिश करेंगे बहुत अच्छा कर दें। लुक एट दिस राइट नाउ, लुक एट इट व्हेन इट्स डन, जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर देखेंगे। ये एक टेल लैम्प भी इसका बहुत ख़राब है, लेकिन अभी वी लिव विद इट फॉर नाउ। बाकी गाड़ी को कंपाउंडिंग करेंगे और कंपाउंडिंग के साथ पेंट करेक्शन, ताकि जस्ट टू गेट अ फ्रेश ग्लो आउट ऑफ इट। न्यू डे और न्यू प्रोजेक्ट, साल में 12 महीने और 12 क्योंकि हम आप समझे ऑलमोस्ट एवरी थर्ड मंथ दो प्रोजेक्ट्स इनटेक कर पाते हैं, तो वी गॉट रफली अबाउट 8 स्लॉट्स जो हम पूरे साल में डील कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के। प्रोजेक्ट टाइमलाइन वेरीज फ्रॉम 3 months टू ईयर एंड हाफ। जयान की हमने कई 35 बनाई थी, इट टुक अस ऑलमोस्ट 11 months ऑन दैट प्रोजेक्ट। असद की गाड़ी अभी पीछे हो रही है, थोड़ी सी डिले हो गई थी, लेकिन स्टिल ये अभी भी अगर मैं डिले को हटा भी दूँ तब भी इट्स ईटन अप ऑलमोस्ट 12 weeks बाई नाउ, और अनदर 4 weeks बिफोर इट्स रेडी टू गो ऑन द रोड। 4 weeks ऑफ वर्किंग डेज, इसमें अगर बीच में कोई टाइमलाइंस अफेक्ट होती हैं तो दैट्स डिफरेंट। ये हमारा नया प्रोजेक्ट है LJ72, दिस विल बी ए रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। इसको अभी हम नाम सोच रहे हैं, नाम नहीं सोचा कि प्रोजेक्ट का नाम क्या रखें, लेकिन ये हमें अपनी एरिया पता है कि हमें किस एरिया में हमें काम करना है। इसमें अभी क्लाइंट के लिए हमने सारी रिसीविंग वीडियोस चीज़ें बना ली हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। दिस इज ओरिजिनली एन LJ72। LJ72 जो है वो ये 3L के साथ होता था जो कि 2.8 लीटर होता है 3L, लेकिन इसमें अब 1KZ डेवलप है। टिपिकली
इसमें भी इसका इंजन चेंज किया गया, लेकिन उसके साथ ट्रांसमिशन और जो डिफरेंशियल्स हैं वो वही 3L वाले चलाए गए, जिसकी वजह से कुछ गाड़ी के गाड़ी मेट नहीं कर पाती दुरुस्त तरीके से, रेशियोज में डिफरेंस होता है इस तरह के, देयर आर मल्टीपल डिफरेंसेस। और यार आज गर्मी बहुत है, आज फिट हब्स हुआ है कराची में, सी रही है, हाल बेहाल हुए मैं, गर्मी दानों ने भी बजा दिया। आई होप इट रेन्स, प्रेडिक्टेड तो है। बैक टू द टॉपिक, उसके अलावा अभी भी ये जो ऑयल ट्रेसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, अभी इसको स्टार्ट करते हैं, जो ऑयल ड्रेन कैप के आसपास बता रहे हैं ऑयल लीक, ये क्लियर इंडिकेशन होती है ऑफ ए टेरेबल बैक कंप्रेशन वाला इंजन। ये आप देखें इसके बैक कंप्रेशन रिलीफ पाइप के आसपास भी कितना ग्राइम बिल्डअप है, ये सब इंडिकेटिव है। अभी स्टार्ट करेंगे तो ये पता चल जाएगा, बट इट सीम्स लाइक अभी भी ब्रेक सिलेंडर के अंदर दिखा शामीर, कीचड़ कीचड़ है अंदर, पता नहीं ऐसा नहीं लगता ब्रेक ऑयल है। अब ये जो पेटेंट कंडीशन है ना, इस कंडीशन के बाद बड़े मजे का क्वेश्चन होता है, स्पेशली जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, क्लाइंट हमसे पूछते हैं कि यार मास्टर सिलेंडर ठीक था, जब इस पोजिशन पर सर्विस किया जाएगा, यानी डीप सर्विसिंग, विच मीन्स हम लाइन में से हर तरफ से हर तरह का फॉरेन जो ऑब्जेक्ट है उसको, या कार्बन बिल्डअप जो है उसको ख़त्म करेंगे, दिस स्टॉप वर्किंग। क्यों? क्योंकि अब जो इसका प्रेशर होगा वो तब उन क्लीन लाइन्स के लिए नॉट इनफ रहेगा। गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, एक पता नहीं आपको इसका बैक कंप्रेशन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट द मान ऑफ ऑयल इज फ्लोइंग एंड ऑयल इज जस्ट कीचड़, टेरेबल। शामीर भाई भी ऑयल में नहा गए इतना ज्यादा। अब देखो मैंने अभी अभी खोला है, इट्स ऑल ओवर माय हैंड, इट्स ऑल अराउंड रेडिएटर, सब जगह ऑयल ऑयल होगी, इट्स अ डेड इंजन। लेकिन डेट को ही तो जिंदा करना हमारा गेम है। अली भाई के ही टिश्यूज इस्तेमाल करते हैं। अली भाई सॉरी, हाँ आप ही की गाड़ी घर ने आप गंदे किए थे, इसलिए आप ही के टिश्यूज। एनीवे, तो इस गाड़ी पे वी कॉल इट अ रिस्टोरेशन जॉब, क्योंकि इसमें हम फेस लिफ्ट वगैरह कोई मॉट नहीं होने वाला, मॉट इसमें ऑलरेडी हुआ है, हम सिर्फ मॉट की करेक्शन कर रहे होंगे। कॉल इट अ रिस्टोरेशन एंड अ मॉडिफिकेशन जॉब मिक्स करके, लेकिन हमारे लिए हमारे नजरिए में This will be a core essence of restoration job. क्योंकि it's already modified. हम सिर्फ इसके अब इंजन के कपल को बेहतर करने के ऊपर काम करेंगे, nothing else, nothing more, nothing less. So that's about it. Project start करते हैं, tuned रहे। Meanwhile, funky पे अपडेट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, funky का एक long lost problem, जो इसके 5EZ डलने के बाद से, although ये 5EZ हमारा mounted नहीं था, ignore the गंदा मंदा एरिया, नू ये हमारा नूर भाई है, पता नहीं क्यों उसका इंजन ब्रेक अंदर रखने का शौक होता है, मजाक कर रहा हूँ, ये उसका कल एक पाइप लीक कर गया था तो जिसकी वजह से ये सब गंद हो गई है, अभी इसको साफ करते हैं। इसलिए अब हम इसका बस एक आखिरी काम बचा है, स्टेयरिंग बॉक्स चेंज करना है, वो चेंज करेंगे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक कोर प्रॉब्लम था, एक कोर मसला हुआ था इसके साथ, वो था इसका फ्यूल पम्प। इट यूज टू बर्न फ्यूल पम्प एवरी टाइम, बार 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 फ्यूल पम्प चल जाता है। हाँ, इट वॉज अ लॉन्ग बैटल, बहुत लंबी बैटल, लेकिन हमें मशवरा दिया किसी और ने, हमें एक हमारे करीबी दोस्त हैं शाहिद भाई हैं, इलेक्ट्रिशियन, अ वेरी नाइस, अ वेरी सॉलिड इलेक्ट्रिशियन, बेसिकली वो मेकाट्रॉनिक टेक्नीशियन है, ही ऑल्सो डज ECM रिपेयरिंग, ज़्यादा मॉड्यूल रिपेयरिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने हमसे पूछा कि यार तुम लोगों ने इसमें प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाया हुआ है कि नहीं, टैंक में, दैट्स वेयर इट क्लिक्ड। क्योंकि 5EZ जो है इसके, ये एक मॉडर्न डे इंजन है, और इसके जो जो ओरिजिनल गाड़ियाँ भी आती हैं उसके अंदर कन्वेंशनल इन टैंक सिस्टम ही होता है, उसके अंदर वही मॉडर्न डे प्लास्टिक बोल, जो प्लास्टिक वेंचरी सिस्टम बना होता है वही होता है, और उसी बोल के अंदर एक अदद रिलीफ वाल्व अटैच्ड होता है, जो कि सरप्लस प्रेशर को वेट नहीं करता रिटर्न लाइन जाने का। ऑल्दो इसके इंजन पे इंजेक्टर्स पे भी रिटर्न लाइन अवेलेबल है, बट इट डज नॉट वेट के वो रिटर्न लाइन से वापस आए, जहां लाइन प्रेशर इंक्रीज करेगा
वो वहीं वाल्व खोल देगा और एक्सेस प्रेशर को वापस टैंक में छोड़ देगा। इस फॉल्ट में मजीद हमें जो इन्फॉर्मेशन हुआ हमारे जो हमने अभी रिसेंटली 2011 वाला प्राडो किया था 1GR जिसको जो रिपेयर किया था जिसका स्टार्टिंग ट्रबल था वो भी हमने उससे भी हमने इसके लिए नॉलेज ली इन्फॉर्मेशन ली। वी गॉट द फ्यूल टैंक मॉडिफिकेशन डन प्लास्टिक वाला पूरा बंच फिट किया इट्स वर्किंग लाइक अ चार्म व्हील स्पिन्स भी फिनोमिनल है मजे का है। इस गाड़ी का एक फाइनल सिनेमैटिक ड्यू है तो ये अब हम एक बार इसका स्टीयरिंग बॉक्स चेंज कर लें स्टीयरिंग प्ले खत्म हो जाए देन वी आर टेकिंग आउट ऑन अ टेस्ट ड्राइव बैरिया या फेज 8 आप लोग रेकमेंड भी करिएगा कहाँ जाके इसका फाइनल सिनेमैटिक करें तो फिर उधर ही जाके इसका फाइनल इसका और हमारे जिमनी की भी एक थर्ड जो एक्सटीरियर एक्सटेंशन थी उसकी भी एक फाइनल एपिसोड ड्यू है उसका भी अभी जो फाइनल सिनेमैटिक्स करने हैं वो ड्यू है। मशवरे दें दोनों गाड़ियों को इस बार फेज 8 करें या शुड वी टेक देम अगेन टू बैरिया ऑल ओपन टू ओपिनियंस। ट्यून रहे अभी थोड़ी सी देर में 3 डोर के टेस्ट ड्राइव पे जाते हैं फिर उसके बाद देखते हैं और फिर वी विल बिगिन डिसमेंटलिंग द 3 डोर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द 3 डोर। ट्यून रहे अभी इस एपिसोड में आपको हम मजीद अपडेट देंगे ऑन द 3GR कन्वर्जन ऑफर मार्क टू प्रॉली द फर्स्ट विद इट्स ओन ट्रांसमिशन। लोग हम मेरे पास एक DM आया कहने की ये पहली मार्क टू नहीं है जिसमें 3GR डल रहा है बिल्कुल ऐसे ही है इधर 3GR के 70s के अंदर डले हैं बट देयर इज अ बिग बिग डिफरेंस डिफरेंस इज कि दोज आर नॉन FSE इंजन्स वन देयर FEs डायरेक्टली टू अगर वो FSE हो भी तो दूसरा उसके ऊपर जो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि वो अपने ओन ट्रांसमिशन के ऊपर प्ले नहीं हुए होते दे मेटेड विद W58 जो कि जनरली अगर आप देसी जबान में समझना चाहें तो 2C जो आता है डीजल टोयोटा का कार्स में 2 लीटर डीजल इंजन उसके ट्रांसमिशन होते थे W58 वो दो मॉडल्स हैं उसके अंदर एक ब्लैक टॉप एक सिल्वर टॉप जानवर का डिफरेंस है ज़रा एक पुराना वाला है एक ज़रा नए मॉडल्स में है वो गेमेट किया जाता है। वट वी आर डूइंग हियर इज वी आर यूजिंग 3GR का अपना ट्रांसमिशन विद द इंजन एंड देन पुटिंग दैट इन दैट्स द फर्स्ट इन पाकिस्तान ब्रो। बॉयज डे 2 आज कस्टम फॉर्ट्यूनर पे थे फॉर्ट्यूनर से रुके हैं शाहजेब भाई आए हमारे साथ शाहजेब भाई इज़ अ मार्केटिंग हेड विद साह इंटरनेशनल। साह इंटरनेशनल जो है वो लॉन्च प्रोडक्ट के वाहिद देयर इज ओनली कंट्री वाइड डीलर्स राइट डीलर्स इज द राइट राइट वर्ड फॉर लॉन्च प्रोडक्ट्स। लॉन्च प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के टूल्स एंड मैकेट्रॉनिक टूल्स गाड़ियों के स्कैनर आ जाते हैं लिफ्ट्स इंजेक्टर क्लीनर मशीन और इस तरह की सारी चीजें और बॉयज जो हैं दे आर लॉन्चिंग अ न्यू शो दे ये लोग भी other than normal commercial business ho rahi hai but their objective also is also very aligned to us wo usme jo ek major coinciding cheez hai wo hai improving the industry usi game mein they do a lot of things they go to workshop logon ke matlab peer bridging connectivity bringing people on board same platform so these guys have done a lot usi ke hisse mein abhi they're starting a new show on their YouTube channel that goes by Saar International uske upar autocast ke naam se to shahzeb aaye shahzeb zyada bhi chhota sa ek discussion hoga chhota sa ek regarding the same aspects wo bhi tag karunga meanwhile shahzeb bhai aapke apne idea mein aapke apni approach mein what do you think is happening to the industry mein ho kya raha hai aur jo ek bada masla hai usme masla ye hai ki कोई भी क्लाइंट आता है तो दस्ती आके एक सबसे पहले बात जो अर्ज करता है यार मेरे पास एक चीपर कोटेशन अवेलेबल है ये कैसे मुमकिन है। अब देखिए पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा जो इशू है ना वो ये है कि दुनिया भर में आप किसी भी मुल्क में चले जाएंगे फॉर एग्जांपल यू गो टू कनाडा यू विल सी पीपल वर्किंग ऑन देयर कार्स देमसेल्फ यार वो अगर छोटा सा ऑयल फिल्टर चेंज करने एयर फिल्टर चेंज करना ना खुद ही लेके बैठ जाएंगे और वो जाएंगे ऑटो जोन से उठा के लाएंगे लगाएंगे एंड दे आर गुड टू गो वहाँ पे क्योंकि मैकेनिक्स इतने एक्सपेंसिव है कि बंदा कहता है यार मैं खुद ही कुछ ना कुछ करूँ
तो हमारे यहाँ तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल थ्रू आउट माई लाइफ तक हम लोग ऐसे ही जा रहे थे मैकेनिक से, बाद इंडस्ट्री में नहीं आए तब तक यही करते रहे कि यार मैकेनिक छोटा सा काम भी है यार यहाँ से, मतलब छोटा सा भी कोई एयर फिल्टर चेंज करने कस्टमर के मैकेनिक के पास ले गए, और जब इतना छोटा काम हम करा रहे होते हैं कि यार 900 रुपये का एयर फिल्टर है, तो बंदा सोचता है यार मैं इसकी लेबर कॉस्ट तो कुछ दूँ ही नहीं। हालांकि वो समझता नहीं है इस बात को कि यार अगर आपकी गाड़ी एक बार आ गई है लाइन के अंदर, एंटर हो गई है वर्कशॉप के अंदर, तो उसकी जो ओवरहेड्स हैं वो लग गए, वो वर्कशॉप का टाइम ले रही है, लेबर कॉस्ट पे चार्ज हो रही है, भले आप उससे एक एयर फिल्टर चेंज कराएं या उससे आप हाईटेक काम करा रहे हो, अगर वो बंदा इन्वॉल्व है तो उसकी यार वो चार्जेस वो लगने हैं। और अगर गाड़ी में हमारे लोग क्योंकि खुद नहीं घुसते तो उनको गाड़ी के बारे में तक नॉलेज ही नहीं हुई, तो वो समझते हैं कि यार ये पार्ट अगर उनको कोई कह देना कि यार आपने इंजन स्वैप करना है, तो वो कहेंगे यार 1300 cc का कोई भी इंजन डाल दो, अपन को नहीं पता उसके पीछे पूरी वायरिंग्स किस तरीके से काम करना है, पूरा जो मैप डालना है उसका क्या सिलसिला है। हमारे यहाँ लोगों को जीरो नॉलेज है इसके बारे में, तो वो यही समझते हैं कि यार हर काम सस्ता है, छोटा है, जुगाड़ू है, और मैकेनिक भाई तो कर ही देंगे उसको, इसकी तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। हालांकि अगर आपकी कॉस्ट भी इक्वेट करें तो इस प्लॉट में भाईचारगी में कर दें यार, तो भाईचारगी में तो जिंदगी नहीं चलती ना, आपने भी घर चलाना है ब्रो। ये तो बड़ा पक्का गेम है, हम लोग कहते हैं लोगों को कि भाई ऑयल चेंज लीक चार्ट सर्विस, क्योंकि आप खुद कर लें तो अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो कर सकते हैं, तो इट्स नो जोक, आप करके पैसे बचा लें, क्योंकि अगर आप एक स्किल्ड बंदा यूटिलाइज करेंगे जो कि बाय द आवर पेरोल पे है किसी भी बिजनेस के, या उसका अपना बिजनेस है, तो ही हैज टू बी पेड। अभी ऑटो कैश के ऊपर का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, वो करके लेट्स गो बैक टू द फ्लोर एंड वी रिज्यूम दैट कस्टम्स और ट्यूनर की अपडेट्स है और बाकी प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स है, स्टे ट्यून्ड। ऊपर से पूरा काटना पड़ेगा मेरे को काट के, सही है मेरे जान, ये पूरा कढ़ाई थोड़ा सा और उसको खोलने को करना पड़ेगा मेरे को। ये है ना ये मुझे ये चीज उड़ाना पड़ेगी, उड़ाना पड़ेगी मेरे को इसके साथ, वो प्लेट तो इसमें फिट होगी ना, प्लेट इसमें फिट होगी, फिर उसके बाद वो भी चाहिए ना, मैं वो गैप उसके लिए चलाने इसको तो बाहर करना है ना, प्लेट लगेगी ये आपकी प्लेट, आप मेरा ख्याल है बहुत आई थिंक 8 inch की 1/4 inch की प्लेट बनेगी पूरे शेप में, और वो शेप प्लेट उठा। हाँ वो मुझे पता है, लेकिन रिजवान भाई फ्लाई व्हील पे नहीं ना, ये नहीं करना ना, लेकिन फ्लाई व्हील यही चलाना है, छोटा नहीं ना रिजवान भाई, उड़ा देंगे यहाँ से, लगता अगर सेल्फ फंसेगा तो यही कह रहे हैं ना, सेल्फ नहीं बैठेगा, सेल्फ तो हमें उस पर बिठाना है। मैं तुम्हें समझाना जा रहा हूँ, अब तुम प्लेट रखो, ये प्लेट रखो, ये वाला सेल्फ तो और भाई 2J का टैग लगा के अंदर दे दो, बस अभी भी आ जाएगा साथ, ऐसी रख दो अगर ये है TD42 का जो प्लेट, ये TD42 का है प्लेट जो इसके साथ मेट कर रहे हैं हम गियर, ये मेरे को ना ये खा देना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा ना कर दूंगा मैं आपका।
यहाँ से डाउन करो ये को खोलो यार इसको खोलने के बाद ना इसको इसको प्लेट अभी कंफर्म बात करो खाली बातें गवा रहा हूँ तुम्हारा तलब का जो मसला है ना वो ना पूछ मसला नहीं आएगा प्लेट खोलो यार क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इस फ्लाई व्हील के साथ क्लच पैक है वो पूरा ऐसी कैसे ही आना हाँ हाँ मैं वही बात बोल रहा हूँ मैं वही बना के दूंगा आपको अगर ये ना ये सारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ देखो मतलब ये इसको डाउन करेंगे इसको ओके कड़े के हिसाब से ताकि सेल्फ जो है ये पहले भी तो कड़ा सेट ही हुआ उसका ये तो चाहिए नहीं ना ये क्यों लगेगी जरूरत नहीं तुम चाह रहे हो कि ये पीछे फ्लाई व्हील पे फिट करूँ इस प्लेट को तो जरूरत नहीं डायरेक्ट खड़ा अगर इस पे आ रहा है ये भी खुल रहा है इस पे रख के देख लो अगर इस जगह आ रहा है तो हल्का सा डाउन करना पड़ेगा तुम्हें इसको नहीं है इंची टेप लग इंची टेप लग कितना करीब होगा वो अभी तो बोला है ना वो सही है लेकिन ये लेकिन बहुत बहुत छोटा कड़ा है नहीं नहीं बहुत छोटा है ये कड़ा बहुत छोटा है रिजवान भाई उसके लिए आपको ये डाउन नहीं है तो फिर प्लेट कटेगा पूरा देखो साथ का बिल्चे के साथ नाप रहा है मैं फिट कैसे करोगे लेकिन इससे तो राउंड बढ़ नहीं जाएंगे क्या होगा तो बनी हुई है सेल्फ को क्या फर्क है यार बड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा हां सेल्फ उसी का लगेगा ना तो हम उसी के लगा रहे हैं पहले ही हम सेल्फ इसका थोड़ी चलाएंगे हमें सेल्फ भी इसका चलाना हम सेल्फ इसी का ही चलाएंगे ऊपर समझ गया सर 10 नहीं वो तो बहुत फर्क आ जाएगा यहाँ से पकड़ो ना उसका नहीं नहीं तीन इंच का फर्क है तकरीबन ये जो सारी गेम हो रही है ना ये निसान पेट्रोल के लिए हो रही थी हो क्या रहे निसान पेट्रोल इज नाउ हम जो कपल बना रहे हैं उसका वो टोयोटा पावर हाउस 2JZ GE और TD42 4.2 लीटर वाले निसान वाला जो गियर है उसको हम मेट कराने चाहते हैं डिफरेंशियल भी उसी के ही हैं उनको आपस में ये क्योंकि 2JZ का हाउसिंग फर्क है 2JZ के साथ जनरली जो गियर आते हैं वो 4x4 कंपैटिबल नहीं होते अब हमें इधर ये हाउसिंग एक प्लेट चेंज करनी है जिसके बाद हम ट्रांसमिशन को उसके ऊपर इधर मेट कर सकते हैं ये भी सारी R&D उसी की चल रही है उमर मेरा फोन देखेगा प्लीज फोन ने बजा दिया यार अरे भाई बलिनो ट्राई हो गई बलिनो हो गए बलिनो मैकेनिकली कंप्लीट हो गया इसको अभी अभी निकाल के भेजते हैं अलाइनमेंट पे व्हील अलाइनमेंट करवा के मंगवाते हैं इसकी थैंक यू जानी ये फोन बचता है तो ही तो धंधा चलता है अनफॉर्चुनेटली हमें आज एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा हमने टर्मिनेट भी अभी किया क्लाइंट सर क्लाइंट्स रबते में ही नहीं है The past 7 months now almost. थोड़ा सा उसको भी डील करते हैं अभी यह फ्लाई भी खुल जाए रिजवान भाई जो है हमारे रिजवान भाई से तो मिलवाऊँ साथ रिजवान भाई की तारीफ ये हमारे रिजवान भाई हैं और ये आरिफ ऑटोज वाले हैं जो लैथ का काम करते हैं हमारे ऑल्ट्रेशन के इंजीनियरिंग आरिफ इंजीनियरिंग सर्विस वाले हैं और ये हमारे इस तरह के टेढ़े मेढ़े काम जो है मॉडिफिकेशन के ज्यादातर आरिफ भाई करते हैं ज्यादातर ये पढ़े लिखे रिजवान भाई करते हैं वो आरिफ भाई बोल लो जो बोल लो नहीं आरिफ भाई तो मेरे वाली साहब है ना तो अच्छा रिजवान भाई वाले जो है वो ऑल्टरेशन से आज से नहीं एक अरसे से जुड़े हुए टेक्निकली कोर एसेंस में आरिफ भाई जो है आरिफ भाई रिजवान भाई वाले जो है
आरएफ ऑटोज के नाम से, ये लेथ इंजीनियरिंग करते हैं। बट हर लेथ इंजीनियरिंग प्रोवाइडर जो है वो मॉडिफिकेशन में, ऑल्ट्रेशन में डील नहीं करता, क्योंकि ऑल्ट्रेशन इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत लगता है, ऐसे की बचत उसके म्याद में बहुत थोड़ी सी है। वेयर एज अगर ये शायद डिस्क ही डिस्क ओवर फेस करते रहे, ब्रेक रोटर्स जो होते हैं उससे ज़्यादा बचत आ जाएगी, बनस्पत इस काम के ऊपर टाइम लगा के इसको अंजाम देने में। यही हमारे 3GR जो भी कन्वर्जन हो रही है मार्क टू की, इसके स्पेसेस के ऊपर, इसके क्रॉस मेंबर की भी स्पेसेस अभी यहीं से ही बनवाएंगे। ये वो बदतमीजी कर रहा है, उसको देखा, वो है बदतमीज आदमी। नहीं शायद अगर अपना सेल्फ लगाओ तो इस प्लेट पे पीछे तो अपना सेल्फ अपनी जगह पे नहीं आ जाएगा क्या? उस दिन आ रहा है ना, ये फ्लाईव्हील आ रहा है ना, तो मैं इसके साथ पीछे इसको कपल कर दो। हाँ कैसे कपल कर दो? क्या मतलब? इसके लिए आगे जाने तो हम इसको पुश नहीं कर सकते आगे, बीच में स्पेस है, कोई आइटम नहीं दे सकते, सेल्फ इसका 2G वाला अपने ही आ जाएगा, दूर हो जाएगा ना बहुत। चला जी भी तो चलाना है, एक काम करो ना, आखिरी बात सुनो, ये मैं खड़ा निकलता हूँ बस, सही है? अगर मेरे मैं तुम्हें बताऊँ कि अगर इसका खला वाला मिल जाए ना, भूल जाओ, खला वाला बढ़ाओ अपने पास, खला वाला होगा तो मैं अच्छी फाइट करा दूँ। एक बात बताओ, आखिर ये शख्स इसका कड़ा क्यों निकालना चाहता है? गलती हो गई, देखिए नहीं, मेरा एक सवाल है छोटा सा, वो कड़ा पीछे चलनी चलेगा नहीं? नहीं चलेगा ना भाई। क्यों? सेल्फ की जगह नहीं है ना, सेल्फ आगे कैसे जाएगा? सेल्फ को हम सेल्फ मारे टक्कर के टकरा जाएगा, इस पर बैठेगा कैसे? हम उसके उसके जितना स्पेसर बना दें क्लच को, क्या पूरा नहीं चलेगा ना सेल्फ, तो दूर करेंगे तो सेल्फ नहीं चलेगा। क्लच प्लेट जितनी तो प्लेट है नहीं ना, जैसे ये जहाँ फिट हुआ हुआ था अपनी जगह पे उस्ताद, ये जहाँ अपनी जगह पे फिट हुआ हुआ था पहले, ये जिधर था जिस जगह पे, ये उसी जगह पे रहे। कड़ा हाँ, मतलब ये अंदर आ गया, ये तो उसका इसके ऊपर, हाँ हाँ पूरा बड़ा, मतलब इन सीम स्पेसर हो ताकि वो बल ना मारे, ये जो बर्बाद होने से बचाएगा अपने, क्या इसको मैं काटूंगा, ये बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कड़ा तो उसका फिर भी नहीं निकालना है भाई, कड़ा उसका फिर भी नहीं निकालना है। अरे ना तुम ऐसे कॉमेडी कर रहे हो, अगर ये चल जाए तो इसका कड़ा हटा के, लेकिन हम प्लेट तो पूरी यही चलाएंगे ना। मैंने आपकी बात मान ली, हम मैं कह रहा हूँ इस कड़े को उसपे ना लगाएं ताकि हमारा ये पूरा सेट बरकरार रहे। कहने का मकसद ये है, ऐसे लगा दो, एक सेकंड ये चाहे जानी, अभी लगने की बात हो जाए तो रोक। इसका सेल्फ फंसाओ, ये असल में देखो बाबू कसन भाई, ये बर्बाद हो जाएगा, उसको काटेंगे ना। मान ली आपकी बात मान ली, लेकिन मेरी बात, मैं चाहता हूँ इसको अल्टर नहीं करें। देखो ये फिट हो गई, ये फिट हाँ। हो गई, ठीक है, इसके ऊपर बनेगा स्पेसर, हाँ इन दोनों के बीच में, ये तकरीबन समझो इधर रखना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूँ मैं। तो इसके कलेज की जो सेटिंग आएगी उसके लिए आपको इसकी प्लेट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, ये तो हमारे हाथ में है ना, उसका देखा नहीं, बहुत है
इसकी डीप बहुत है, इसकी है घेर की, घेर की डीप बहुत है, घेर की डीप है, घेर लाओ यहां पर रख लो, घेर लाओ अभी मैं डीप दिखा दूं, हमारी डीप निकल जाएगी। अरे भाई कंधे पर रख के ले आना, एक मेरी बात सुनो उस्ताद, चलो ये लेते हैं, पीछे मैं इसके टेपे लगाता हूं, इसको स्पेशल बनाओ, और जो है ना इसमें एक बैरिंग का साइज बनाना पड़ेगा, वो तो टॉप का बन जाएगा, आपका टॉप का बन जाएगा, ये जो आप कह रहे हो ना ये कलर, ये निकाल दूंगा मैं कलर यहां से, वो तो फारिग हो गया ना, फिर ये तो उसकी पानी नहीं, फिर इसके बाद पता क्या होगा, ये ऐसे पर कट लगाओगे ना इसके लगे, आप आगे लेकिन आपको स्पेसर देना पड़ेगा, उसको सेल्फ की बरारी की जितनी ये बाहर आ रही है इतना स्पेसर आपको देना पड़ेगा, उसको रखो ना, रखो अरे भाई पलट के पीछे जाएगा ना, लगाओ ना पलट के, साइज में फर्क आएगा ना, अब इस पे आएगा स्पेसर, ठीक है सेल्फ केज भाई, काउंटर वो केज इतनी जगह केज, पूरा केज बार, इसको पूरा बार केज, पूरा बार केज लिया, कमांड इसके तुम बोल टाइट कर दोगे ना, तो ये बोल टाइट कर दो, ठीक है इसको पर नई प्लेट बनाऊंगा ना, इससे नए बोल निकाल लेंगे, कैसे वो ऐसे, आप ये समझ, आप ये कह रहे हैं कि हम इसको इसको टाइट करें इसके ऊपर, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इतना बड़ा स्पेसर बनाने से बेहतर है ये लग गया, इसके ऊपर स्पेसर आ गया इतना ही जितना ये है, ठीक है जितना भी आपको बड़ा करना है उसके हिसाब से, इसमें स्पेसर आ गया, उस स्पेसर को ऊपर रख के डायरेक्ट फ्लाई व्हील के बोल्ट टाइट हो जाएंगे, डायरेक्ट फ्लाई व्हील के बोल्ट टाइट हो जाएंगे ना, हैं बोल्ट मिल जाएंगे, और नंबर दो, नंबर दो जो फ्लाई व्हील के बोल्ट तो लगाने पड़ेंगे, ये प्लेट इसको नहीं झेल सकती, हम स्पेशल बीच में बना के लगाते हैं तो भी ये प्लेट इसको नहीं झेल सकती, ऐसे ही है ना कमजोर पड़ेगी जर्क आएगा, तो ये बोल्ट तो लाजमी है, हाँ इसके इस स्पेशल के साथ इनको अगर आप मैच कर दो, समझ रहा था कि सेंटर के बोल्ट भी लग जाए पीछे से इसके बोल्ट लग जाए तो ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगा स्पेशल के साथ, और सेल्फ जितना बाहर आ रहा है उतना ही बस इसको दूर रखें कि सेल्फ पूरा चले उसके ऊपर, बाकी ये चलता रहेगा, आगे ये तले चल जाएगा, इस फ्लाई व्हील को अंदर से कट लगाने की तो शायद स्पेसर भी ना बनाना पड़े, फ्लाई व्हील में बहुत गुंजाइश है, अगर अब ये अगर आपका ये कड़ाई फारिग हो जाएगा जो कड़े का रिंग है इसी को अगर डाल दो, ये बीच में नहीं आएगा ना, बीच में अगर ये होता ना खला, प्लेट निकाल बेटा, बीच में खला है ना, ये नहीं होती ना खला, और ये हमारी इससे डाउन है ना, बचेगा कुछ नहीं, क्या मतलब ये कड़ा ये डाउन है ना, इसको डाउन कर दिया जाए ना, उड़ा दिया जाए ना उसका, तो आगे देखो इसको तो आप सही कह रहे हो, कड़ा तो निकल गया वैसी जगह खाली हो गई, सही है अब ये मिल गया, तो इसको अगर बिल्कुल खत्म करते हैं तो ये कमजोर ना पड़ जाए, इतना जाने ये हमें तकरीबन समझ ले इतना हमें स्पेशल दूर रखना है कि हमारा सेल्फ चल जाए, हमें सेल्फ के ड्राइव शाफ्ट की ऊपर की जो टोपी होती है, अच्छा ये अब मैं इसकी बात अब समझ में आई है मेरी, ये कह रहा है कि इसको ये बेटा इसको यहाँ से इधर से कट मार दो, ये डाउन हो जाएगा, ठीक है ये प्लेट इसके ऊपर फिक्स हो जाएगी, सेल्फ की जगह बन जाएगी, क्योंकि जितना दूर करेंगे स्पेसर तो फिर भी बनेगा, डिफरेंशियल को चेंज कर रहे हैं उतना कमजोर होने का खर्चा है, नहीं ये तो बस दूर तो नहीं खराब, मैं कुछ ताकत करूंगा, लेकिन बाहर पड़ने में लेकिन उससे नहीं आएगी, आप एक इससे सिरे में जितने जोर डालोगे वो उतना पावर ब्रेक पॉइंट आ जाते, पावर के थ्रू में उतने ब्रेकेज आ गए, अगर मैं जो ये पापी ये बात बोले ना, जो इसके पीछे तुम ऐसा करो इसमें भी बोल्ट टाइट कर लो, और ये स्पेसर भी दे दो, स्पेसर के बुढ़ारे को बुढ़ारे कर लो, इससे भी मजबूती आ जाएगी, अगर वो हटाई दो वो लगाओ ही ना, बोल्ट टाइट कर रहे हो, करना पड़ेगा ना तो साथ डायरेक्टली इसके इसके अंदर ही बोल्ट थोड़ा सा कर दो ना, ये जो फ्लाई व्हील है हमारा ये इतना बड़ा है कि ये इसको होजिंग में फंस रहा है, इसको थोड़ा सा बाहर रखना पड़ेगा, बना रहे हैं कैप्टन भाई, मेरी बात सुनो, प्लेट बना रहे हैं, कॉलर बनेगी, कॉलर एक कॉलर, इसको कॉलर लाजमी बनानी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा बाहर करने के लिए बैठेगा इसके ऊपर, प्लेट के ऊपर रिजवान भाई जितना फासला, ये सिंपल सी साइंस है, हाँ जितना फासला बढ़ाएंगे उतना लोड का ट्रांसफर का टाइम बढ़ेगा, जितना टाइम बढ़ाएंगे उतना फेलियर का रिस्क बढ़ेगा, हम सिर्फ इतना बढ़ाएंगे कि हमारा सेल्फ उठा ले और होजिंग जगह पे आ जाए बस, ये बात जो करे ना इसको जितना वेट डालोगे ना उतना अच्छा भागेगा इंजन, इसको हम सिर्फ इतना उठाएंगे कि हमारा सेल्फ आ जाए सही, इससे ना टकराए, इसको डाउन ना करो पर तो डायरेक्ट स्पेसर ही दो, इधर स्पेसर देखिए ये आ गया, ये प्लेट अपनी जगह पर टाइट होगी, सेल्फ हमारा यहाँ चलेगा, ठीक है अभी जितना समझो मैंने उठाया है ना इतना इन दोनों के बीच में ये ऐसे स्पेसर आ जाएगा, प्लेट आ जाएगी, ठीक हो गया, ये स्पेसर आ गया,
और ये तो टाइट हो गए हमारे फ्लाईव्हील के अपने बोल्ट जेंटलमैन, इसकी जर्क रोकने के लिए यहाँ पे ये पिने बना देगा जिसमें ये बोल्ट टाइट हो जाएंगे। ये टाइट हो गया, बाकी कल ये इसका जो है ये तो ऑलरेडी जब ये हम स्पेसर दे रहे हैं तो ये वैसे ही बाहर है, तो इसकी प्लेट ये सामने टकराने का बनता ही नहीं है इसका। ये होजिंग हमारा ये अपना फ्लाई व्हील जाके होजिंग में फंस रहा है ना बड़ा होने की वजह से, तो उसी का स्पेसर दे रहे हैं वो बाहर आ जाएगा और प्लेट जितना हो जाएगा ठीक हो गई, एल की बोर्ड लग जाएंगे ऊपर फ्लाई व्हील आ जाएगा ऊपर से इस पे समझे। ये हमारी अगर हमारे इधर बोल्ट आ जाए हाँ फिर तो हमें कोई लंगा नहीं, यहाँ भी बोल्ट आ जाएंगे पिने बन के लग जाएंगी और ये बोल्ट भी अपने अपनी जगह पे आ रहे हैं फ्लाई व्हील के, ये भी टाइट हो जाएंगे ये भी टाइट हो जाएंगे, ये और मजबूत हो जाएगा। ये प्लेट आ गई इसकी आपके लिए, आपके लिए ये बस ये प्लेट बन प्योर है सासुमा प्योर ना, पानी पियोगे पानी ले आए उसका होजिंग खुलवाऊं और ये नहीं खोलो पूरा घेर ले जाओ मेरे को घेर दो पूरा फिल्टर को ऐसे रख के फिल्टर कर दूंगा क्योंकि घेर होजिंग खोलने का फायदा नहीं है इंजन देखो सेंटर तो मेरे को बैरिंग से करना है सही है इंजन इंजन लाओ मेरे पास इंजन गियर दोनों भेजो हां ये खोल लो ये सेंसर खोल लो वायरिंग खोल लो करके खोल लो वायरिंग खुलवा दूं हाँ, यार इसको फिट ही रहने दे ऐसे ही भेज देता हूँ तेरे को, कार्ड मैंने निकाल दिया है कार्ड निकाल दिया ये वायरिंग लगी रहे क्या है इसको थोड़ा सा और मैं तुझे लपेट देता हूँ ऊपर से ऐसे ही पैक कर देता हूँ कार्ड उतार दिया इसको ऐसे ही पैक कर देते मजीद आपको होजिंग से काम लेना है ये निकलवा देता हूँ इसका एग्जॉस्ट खोल दो नहीं नहीं ये खुलवा देता हूँ सिलेंसर है अरे बेयर की बोतलें लगा देंगे टेंशन नहीं ले पहले ये काम मसला है अच्छा इसका बाकी कहाँ गया मैं तो पी गए बड़े आरामी हो यार बड़े आरामी हो सारे सारे बड़े आरामी हो सारे बाकी कहाँ है ये इधर घूम बाकी कहाँ है बाइक में डाल दे यार कब ले जा रहा हूँ मंगा के भिजवाते हैं सब खामोश हो गए पिंडी का रास्ता पिंडी का रास्ता सब बताते हैं टिकट कोई नहीं दिलाता टिकट कोई नहीं दिलाता पिंडी का रास्ता जरूर दिखाते हैं ये चीनी और सॉस ऐसे ऐसे करके ले लेना था नहीं लेना था तो ये गेम फाइनल हुआ क्या गेम फाइनल हुआ कोई एक बता दो हमारे देखने वालों के लिए प्लेट बनेगी इसकी ये फ्लाई भी अबे एक तो इसने बहुत तंग किया यार ये लो ये कह रहे ये इतने बड़े तुम तो चीनो मुझे बोल रहा है चीनो इसकी फ्लाई व्हील की प्लेट बने हाउसिंग की प्लेट बनेगी फ्लाई व्हील को दोनों को हम मैच करेंगे और इस पर फिट करेंगे उसके भी जो ऑब्जेक्टिव ये है स्टॉक जो फिटिंग है जो स्टॉक फिटमेंट है वो अपनी इंटैक्ट है इस मीटिंग में ऑल्ट्रेशन हो जाए लेकिन मजीद जो स्पेयर पार्ट जैसे क्लच प्रेशर कंज्यूमेबल है वो वेयर एंड टेयर में मेंटेनेंस में आ सकता है तो उसकी कोई परेशानी ना ताकि ये गाड़ी कभी कहीं कहीं और भी मेंटेन हो रही हो उनको उतार के स्टैंडर्ड क्लच प्रेशर मार्केट से ले रिप्लेस कर इस राउट के साथ सही रजवान भाई कड़ा भी तुम्हारी भी पूरी होगी इसका कड़ा भी तो उतर जाएगा है ना दिल पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा बर्बाद हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा क्यों नहीं कर रहे बर्बाद ये लो अच्छा रजवान भाई इसका कड़ा उतार तो रहे हैं उतरेगा नहीं उतरेगा ना कड़ा अब क्यों रहेगा कड़ा उतरेगा किसका बेटा ये वाला उतरेगा ना ये वाला उतरेगा ना हाँ अब हमारा इंजन आपके कहने के हिसाब से हमारी स्टार्टिंग ये करेगा हाँ ये फ्लाई व्हील क्लच चलाएगा हमारा ये फ्लाई व्हील यही बात है ना सेल्फ हमारा ये फ्लाई व्हील चलाएगा क्लच हमारा ये फ्लाई व्हील चलाएगा इन दो को हम मैच करेंगे बीच में स्पेशल बनाएंगे बार करने के लिए या अपनी मैचिंग करने के लिए ठीक है
और इसके ऊपर हमारी एक प्लेट बनेगी जो इस हाउसिंग पे टाइट होगी, उसके बाद वो गियर इस गियर इसका मेट हो जाएगा, ठीक है। कलर की हर चीज अपनी जगह पे रहेगी। मैंने ना 1G डाला था एक गाड़ी में ना, यही वाला गियर के ऊपर। अच्छा, और सबसे अहम बात, इस फ्लाई व्हील का कड़ा भी उतर जाएगा, उतरेगा ये सोच के आए थे कि मैं माँ की आंख हो जाएगी आज वो उतारूंगा। नहीं नहीं यार, मैं उतारूंगा यार। अबे अब उतार तो रहे हैं भाई, देखो बात ना, स्टार्टिंग। अरे यार रिजवान भाई यार, अभी तो उतार रहे हैं। स्टार्टिंग का कट क्यों गाड़ी की, तो बाजी बड़ी गाड़ी करेंगी। अब ये बताओ ये इस पे लगा दो, मेरे ओनर आऊंगा ये थोड़ा मैं बोल रहा था। अच्छा कर ले इंस्टॉल मैन्युअली लिखा रहे, कर इंस्टॉल मैन्युअली इंस्टॉल कर। तो वो क्या आ रहा है, इंस्टॉल क्या हो रहा था, डाउनलोड क्या हो रहा है? 14 है ना ये, तो ये आए हैं अपनी जिंदगी पे और हम सब पे नेमत है। नेमत 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 कहना चाहते थे, आंखें आई नहीं है तुम्हारी? अच्छा अच्छा, चश्मे तुम ऐसे पहने हुए थे। ये बात हो रही है सारी इस वाले निसान पेट्रोल की, इस वाले की। ये निसान पेट्रोल जो हैदराबाद से आया था, इसका इंजन गियर अवेलेबल हो गया है, डिप्स की माउंटिंग हमने टेस्ट कर ली है, लेकिन अभी इसमें कबाड़ा तो बहुत है यार। इसके अंदर पता नहीं किसी अजीम आदमी ने, ये एक्चुअली ऑल फोर लीड स्प्रिंग सस्पेंशन डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम जिसको कहते हैं, इसके ऊपर किसी ना किसी ये लैंड क्रूजर का सस्पेंशन है। लेकिन इसकी तबाही चेक करो, ये वेल्ड की फिनिश चेक करो, किस तरह ये पूरा ब्रैकेट शॉक के अलाइनमेंट देख रहे हो, ब्रैकेट में शॉक टेढ़ा हुआ है, ये ब्रैकेट यूं होके माउंट हुआ है। अब अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम और है कि ये पूरा हमें हिस्सा इसका फारिग करना है, क्योंकि हम इसको चलाएंगे विद निसान ओन सस्पेंशन सिस्टम। हम ये टोयोटा को इसमें से पूरी तरह से फारिग कर देंगे, निसान का अपना सामान चलाएंगे सारा इसके अंदर। हो किसी और को मारने का दिल कर रहा है मेरा इससे। ट्यून रहिएगा, थोड़ी सी और देर में मूव ऑन करेंगे मजीद डिटेल्स के साथ ऑन अ फॉर्ट्यूनर। फॉर्ट्यूनर पीछे पेंट होके क्योरिंग पे खड़ी है, दिखा दो। इतना ज्यादती करेगा तू शामिर, शर्म कर यार। और शामिर भाई अभी वेकेशन ट्रिप से भी आए हैं तो फ्रेश तो हुए भी होंगे। बहुत अच्छा मैच आया है। अहम क्वालिटी एक, पेंट क्यों महंगा है, पेंट के पैसे क्यों ऊपर हैं, वो इसलिए है भाईजान क्योंकि पेंट मैचिंग का गेम है। हमारे पास अच्छे अच्छे प्रोवाइडर्स जो हैं वो इस मैच के ऊपर फारिग हो जाते हैं। ये अभी पेंट स्टिल वेट है, ये इसलिए शेड स्लाइटली डार्कर है। ये अभी जैसे ही क्योर हो जाए 100%, हम पैनल्स को फेड आउट नहीं करते हैं, वरना जनरली स्टैंडर्ड, क्योंकि पेंट क्वालिटी हल्की होती है, पेंट शेड में डिफरेंस आ जाता है उसमें। फिर अगर बंपर स्प्रे हो रहे हैं तो वो इतना फेंडर भी स्प्रे हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड फेडिंग आउट पेंट, कि ताकि उस जो डिफरेंस है पैनल का उसको यहाँ तक लें, क्योंकि जब कस्टमर आएगा और वो चेक करेगा, ही वुड कंपेयर दिस टू दिस, ही वुडंट बी कंपेयरिंग दिस होल पैनल टू दिस पैनल। उस डिफरेंस को यहाँ पे फेड आउट करके कवर अप कर दिया जाएगा। वी डोंट डू दैट, जितना चार्ज करना है, जितना बोला है उतना ही काम करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो ये है, रेस्ट एवरीथिंग एल्स लुक्स ग्रेट। FJ40 में हमारी तैयार है, अभी टाइमलाइन देखते हैं कि वो इसी एपिसोड में सफाई हो सकती है कि नहीं, थोड़ी सी देर में आपको बताते हैं, नहीं होगी तो अगली एपिसोड में। बट नॉनदलेस स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग टाट कस्टम्स। तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज की इस एपिसोड को यहीं इख्तिताम करते हैं। इट्स बीन अ ग्रेट फ्राइडे, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे एज वेल। तैयार हैं होपफुली, आई एम वेरी श्योर, पाकिस्तान की पहली ऑल व्हील ड्राइव RKR की टेस्ट ड्राइव पे आपको लेके चलेंगे संडे वाले दिन, संडे के एपिसोड में हमारी ऑल व्हील ड्राइव RKR की टेस्ट ड्राइव आपको करके दिखाते हैं। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। फॉर्च्यूनर इज रेडी, इसके फाइनल शॉट्स
संडे को आपको देखने को मिलेंगे। एडिशनली संडे की एपिसोड में हम फर्दर ऑन आपको लेके चलेंगे जो हमारा नया प्रोजेक्ट है LJ-72 जो 3-door लैंड क्रूजर है, इसकी भी डिसमेंटलिंग हो गई है, इसकी भी इनसाइट्स न्यूज चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट ऑल टर्न्स आउट। टिल देन टेक वेरी गुड केयर सर, केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा। हम मुझे और मेरी टीम को हम सबको इजाज़त दें। होपफुली विल सी यू वेरी सून अगेन। सत्येंद्र जी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।